दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। कैसे हो आप सारे के सारे। आज मैं आप सभी के बीच में एक ये आप एक नंबर बस पर लगा हुआ एक लगेज देख रहे हैं, इसके बारे में एक वीडियो लेकर आया हूँ। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये एक नंबर बस पर लगने वाला लगेज है, दूसरी और कोई भी बस पर नहीं लगेगा, ठीक है। सिर्फ एक नंबर बस जो गेम में होती है, जब हम गेम नया नया डाउनलोड करते हैं उस वक्त हमें एक नंबर बस जो अनलॉक की हुई मिलती है उसी बस पर ये लगेज लगेगा, दूसरी कोई बस पर ये लगेज फाइल नहीं लगेगी, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे लगेज फाइल वर्जन 3.7.1 में आ चुके हैं, लेकिन बिल्कुल भी बेकार है। एक कोई भी लगेज मुझे अच्छा नहीं लगा। ये लगेज काफ़ी अच्छा और इसका लुक वगैरह काफ़ी अच्छा है, इसलिए मैं आप सभी के बीच में इसका वीडियो बनाकर लेकर आया हूँ। इसी के साथ आपको मिलने वाली है एक साइड में इस तरीके की सीढ़ी, जो आपको एरो का निशान दिखाई दे रहा है वहाँ पर आपको एक सीढ़ी भी दिखाई दे रही होगी। ध्यान से देखिए, ये एक सीढ़ी मिलने वाली है इसी के साथ, और यहाँ पर आपको एक कांच भी मिलने वाला है जो आगे आगे आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों तरफ आपको कांच नजर आएंगे, ठीक है। ये देखिए, छोटे छोटे जो कांच है इस तरफ है और एक इस तरफ है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो लेकिन ये तीन चीज़ें अभी ऐड हुई है इस लगेज फाइल के साथ, ठीक है। दोस्तों इसको कैसे डाउनलोड करना है, कहां से डाउनलोड करना है, वो सारा मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा सारा प्रोसेस, और वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। देखिए, आपको ध्यान से देख लीजिए, लगेज बहुत ही अच्छा लगेज है जो आप डाउनलोड करके एक नंबर बस पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कैसे ऐड करना है, कहां से डाउनलोड करना है, सारा प्रोसेस वीडियो में आगे बताया जाएगा। प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। और एक बात आप सभी को बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि वैसे तो लगेज बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, लेकिन इस तरीके का लगेज नहीं मिलेगा। और इसमें एक प्रॉब्लम है जो दूसरी बसों पर ऐड बिल्कुल भी नहीं होगा, ये एक नंबर बस पर ही ऐड होने वाला लगेज है, ठीक है। और मेरी दोस्तों एक खासियत है, मैं कभी भी गलत वीडियो नहीं बनाता, कोई भी गलत तरीके की फ़ाइल लेकर वीडियो नहीं बनाता। मैंने इस फाइल को एक तो ओरिजिनल OBB फाइल में लगा के ट्राई किया है, उसके बाद में एक ट्रैफिक मोड में भी लगा के ट्राई किया है, सभी OBB फाइल में ये फाइल सपोर्ट कर रहा है और सब में ये लगेज फाइल लग रहा है। उसके बाद में मैंने वीडियो बनाया है, वैसे बहुत सारे लगेज आए हुए हैं लेकिन उनका लुक इतना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं उनके बारे में वीडियो नहीं बनाना चाहता। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ, क्या करना है आपको। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक वेबसाइट ओपन होगा, शेयर मोड वेबसाइट, ठीक है ना।
तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्रेट डाउनलोड लिंक, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक एडवर्टाइज आएगी। जितनी बार भी एड आती है आप बैक करते जाइए और कुछ नहीं है, जितनी बार भी एड आती है आप बैक करते जाइए, आपका डाउनलोड प्रोसेस जो है ऑटोमेटिक पूरा होता जाएगा। ठीक है, देखिए दो तीन बार एड आ गई है, मैंने बैक कर दिया। अब नीचे आ रहा है स्टार्ट डाउनलोड लिंक, पहले क्रेट डाउनलोड लिंक आया था, उसके बाद में ऐड आई, मैंने बैक किया, फिर आया स्टार्ट डाउनलोड लिंक। ठीक है ना, यहाँ पर आ रहा है स्टार्ट डाउनलोड, तो यहाँ पर क्लिक करते हैं ना, मेरा जो है ये मैप मोड होगा। गेम में फाइल जो है लगेज वाली फाइल ऐड करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको जाना है डाउनलोड फोल्डर में, जिस फोल्डर में हमारी फाइल डाउनलोड हो रखी है। ठीक है, ध्यान से देखिए दोस्तों कौन सी फाइल है हमारी, जो हमने अभी लगेज के लिए डाउनलोड की थी, ये हमने लगेज के लिए फाइल डाउनलोड की थी और इसको हमें एक्सट्रायर करना पड़ेगा। एक्सट्रायर करने के लिए आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा, जो पासवर्ड आपको वहां पर ही मिलेगा, उसी वीडियो में मिलेगा जहां से आपने इस फाइल को डाउनलोड किया है। मेरे वीडियो में इसका पासवर्ड आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, एक्सट्रायर कर लेंगे, उसके बाद में इस तरीके का एक फोल्डर बन जाएगा। ठीक है, फोल्डर बनने के बाद सही से पासवर्ड लगा के एक्सट्रायर कीजिए, वरना आपकी फाइल एक्सट्रायर हो जाएगी, इस तरीके की फाइलें भी बन जाएगी, लेकिन यहाँ पर आकार आप देख रहे हैं 0 KB होगा अगर आप पासवर्ड गलत लगाएंगे तो। सही पासवर्ड थोड़ा सा हार्ड है, वीडियो में पासवर्ड ओनली 1 सेकंड के लिए दिखाया गया है, जहाँ से आप डाउनलोड कर रहे हैं लगेज की फाइल उसी वीडियो में पासवर्ड मिलेगा। ठीक है, सही से पासवर्ड लगाओगे तो इस तरीके की आकार की आपकी फाइल बन जाएगी, 5 MB और 1 MB की। अगर आप गलत पासवर्ड लगाओगे तो भी फाइल तो बन जाएगी, लेकिन यहाँ पर 0 KB आकार होगा, वो फाइल आपकी गलत होगी और वो फाइल अगर आप ऐड करेंगे तो आपका गेम बंद हो सकता है। ठीक है, सही से देखिए इस तरीके का आकार होना चाहिए फाइल का, और उसके बाद में आपको क्या करना है, दोनों फाइलों को यहाँ से चिन्ह कर लेना है। दोनों फाइलों को चिन्ह कर लिया, एक पर क्लिक करके रखते हैं, कॉपी वाला ऑप्शन आ रहा है, कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद मेन स्टोरेज में जाते हैं, उसके बाद में एंड्रॉइड फोल्डर में। ठीक है, एंड्रॉइड फोल्डर में जाने के बाद आपको OBB फोल्डर में जाना है। OBB फोल्डर में जाने के बाद ये बस वाला कॉम वाली फोल्डर है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर आपको एक बहुत बड़ी फाइल नज़र आ रही है, जो गेम की मेन OBB फाइल है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं 800, 850, 900 MB की फाइल होगी लगभग, जैसा आपने ट्रैफिक मोड लगा रखा है उसी तरीके की फाइल होगी। ठीक है, गेम की मेन फाइल है 800 MB की, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो मेरे फ़ोन में ये प्रॉब्लम आ रही है, ओपन नहीं हो रही। ठीक है, तो अगर आपके फ़ोन में ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो आपको क्या करना है, इस फाइल पर क्लिक करते ही अगर आपकी फाइल ओपन हो जा रही है तो आपको इससे आगे मिलेगा एसेट्स फोल्डर, बीन फोल्डर और डाटा फोल्डर में जाके ये पेस्ट वाला ऑप्शन कर देना है। मुझे देखिए प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे क्या करना है, ये कॉपी वाला ऑप्शन हटा देना, इधर साइड में कोने में निशान आ रहा है क्रॉस का, देखिए यहाँ से क्लिक करते ही हट जाएगा। ठीक है, कॉपी वाला ऑप्शन हट गया, अब यहाँ पर देख रहे हैं प्लस का निशान आ गया है, तो हमें क्या करना है, इस फाइल को लॉन्ग प्रेस करके रखना है, थोड़ी देर के लिए दबा के रखना है। ठीक है, ओपन एज अचीव करना है, उसके बाद में एसेट्स बीन डाटा, लास्ट वाला फोल्डर ओपन हो गया जहाँ पर हमें फाइल पेस्ट करनी होती है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर आप देख रहे हैं प्लस का निशान आ रहा है, तो ही आप ऐसा कीजिए, अगर आपके मोबाइल में प्लस का निशान आ रहा है तो ही आप मेरे बताए गए स्टेप फॉलो कीजिए, नहीं तो आपका गेम बंद हो सकता है। कोई प्लस की निशान की जगह कोई और निशान आ रहा तो प्लीज़ एक तीर का निशान भी आता है, उस निशान पर क्लिक करके आप कोई भी फाइल को इधर उधर ना करें, आपका गेम बंद हो सकता है। ठीक है, प्लस का निशान आ रहा है तो इस तरीके का प्लस पर क्लिक करते ही आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे फाइल का, और फाइल वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ से जहाँ पर हमने फाइलें डाउनलोड करके रखी है डाउनलोड फोल्डर में। ठीक है, डाउनलोड फोल्डर में एक्सट्रायर करके रखी है, ये देखिए ये फोल्डर है, इस फोल्डर में 2 फाइलें हैं, दोनों को चिन्ह कर लिया और यहाँ पर ऐड वाला ऑप्शन आ रहा है, ऐड कर दिया। ऐड करते ही आपके गेम में ऑटोमेटिक फाइल ऐड हो जाएगी, मैं ऐड नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखा है। ठीक है, अगर आपके मोबाइल में, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, अगर आपके मोबाइल में प्लस का निशान आ रहा है तो ही ये काम करें, नहीं तो आप RAR एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं। ठीक है, उसमें शायद आपकी ये जो मेन OBB फाइल है ये ओपन हो जाएगी, ये वाली। ठीक है दोस्तों, ये सिंपल सा प्रोसेस है, अगर आपको समझ में आए तो ही करना, नहीं तो आपका गेम बंद हो सकता, मैं गारंटी नहीं ले सकता। सही स्टेप बाय स्टेप कीजिए, आपका गेम बंद नहीं होगा और आपके बस पर OBB फाइल जो है ऐड हो जाएगी, लगेज वाली फाइल जो है ऐड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।